है कि लखनऊ पहुंच गए हैं पूरे। तो क्या हाल चाल है सभी भाई लोगों के, मेरा नाम विनोद कुमार और आज फिर से हम लोग एक छोटा सा सफ़र करने वाले हैं जो कि आप लोग देख रहे हो। इस टाइम अभी मैं खड़ा हूँ बाथरूम के अंदर, बाहर काफ़ी शोर शराबा था तो मैं सीधा अंदर आ गया और अंदर आके मैं कहा थोड़ा सा आपसे बात कर ली जाए। उसके बाद तो फिर बाकी ट्रेन की स्पीड 80-90 पे चली रही है और इस स्पीड पे फिर बात करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कोशिश करूँगा मैं आपको बीच बीच में अपडेट देता रहूँ। और बहुत अच्छे नज़ारों से ट्रेन हमारी जाने वाली है और ये ट्रेन है 50-11 जो कि कोविड स्पेशल है और ये काफ़ी अच्छी ट्रेन है और काफ़ी स्पीड से चलती है, बस थोड़ा सा बीच में लेट करती है। चंडीगढ़ से लखनऊ के लिए जाने वाला हूँ और काफ़ी जल्दी तो सफ़र नहीं कहूँगा, 15-16 घंटे लगने वाले हैं। तो मिलता हूँ आपको सीधा नेक्स्ट वाली जगह पे जाके। और अभी इस टाइम मैं आपको पता है मैं कहाँ पे हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा तो समझ जाइए आप लोग भी। शेरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई, जादू सा है कुछ सवा मैं, झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ, अभी भी सोचे क्या सोची की दुनिया, रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही, ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात, प्रकृति साथ है वो, जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात नहीं, फिर भी जीत चारी ऐ अतीत की चादर ओढ़े खोया आज, उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात, इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता, छाप छोड़े चला मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा, देर बाद मिलने आया हूँ। तो बात ऐसी है कि लखनऊ पहुँच गए हैं पूरे 15 घंटे बाद, लखनऊ से अभी 30-40 किलोमीटर पहले हैं, आधे घंटे से रुके हुए हैं, अब लखनऊ जाके ही आपको मिलेंगे डायरेक्ट स्टेशन पे। फाइनली 15 घंटे बाद लखनऊ रीच कर गए हैं और बहुत लेट थी ट्रेन, सामान के लिए पूरी वगैरह सब करा है और थोड़ा गर्मी भी बहुत है भाई, इधर 45-46 डिग्री है अभी टेम्परेचर अभी से। तो अब यहाँ से अभी गांव 250 किलोमीटर और है, तो अभी हम लोगों को बस वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उससे जाएंगे। किया है यहाँ से रिक्शा बुक और ये हमारे जस्ट आगे है मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड, जाके वहाँ से बस लेंगे फिर पहुँचेंगे अपने गांव के लिए। स्टेशन चारबाग मेट्रो स्टेशन और रिक्शा वाला भैया चल दिए। लखनऊ में फर्स्ट टाइम पैदल चलते हुए, जो कि बस स्टैंड पे जा रहे हैं हम लोग, और अभी यहाँ से पता नहीं कितना दूर है बस स्टैंड, देखते हैं। पिताजी मेरे पिलर किधर गए और मैं किधर जा रहा हूँ ये तो पता नहीं है, देखते हैं। हमारे रिक्शा वाले भैया हमारे आगे के जा रहे हैं,
कॉल आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं।